हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये है करवा चौथ से अगले का दिन, नेक्स्ट डे। और फिलहाल मेरे घर में इतना खलारा डला हुआ है, आज बहुत मैसी मैसी हुआ पड़ा, वो इसलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, सब मैसी मैसी हुआ पड़ा। इधर अंदर का तो चलो साफ हो गया, बाहर सारा अभी गंद पड़ा। और ये देखो, आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। एक्चुअली ये जो मैं वीडियोस जो भी मेरे को पार्सल रिसीव हुए हैं, तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जब मैं अपने जो किचन का सामान आया किचन में जब लगा के फिर पूरा मेकओवर आपको दिखाऊंगी किचन का। और जो ड्राइंग रूम है ड्राइंग रूम का, फिर मैं उसका मेकओवर तो बीच में मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने पार्सल में क्या मंगवाया है। फिलहाल तो मुझे अभी रिसीव हुआ है ये मॉर्निंग में, और चलो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके लिए। और जैसे कि आपने देखा है चलेगी, अरविंद भी जा चुके हैं और अभी मेरी घड़ी भी नहीं लगी यहाँ पे। देखो अभी ये घड़ी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैंग करनी है, कर्टन्स भी नहीं लगी हैं, तो कर्टन्स तो चलो वॉश करनी है। मैं अभी सुबह अरविंद को कह रही थी, मैंने कहा देखो मेरी मेहंदी उतरने भी लग गई, सुबह से मैं बर्तन मांज रही हूँ, सारे मांज के बर्तन लगाए क्योंकि किचन वैसे ऊपर से सारा क्लीन हो गया। मैंने कहा अब साथ साथ ये अपने ड्रॉर और रैक वगैरह ये भी साफ कर दे ताकि किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो और ड्राइंग रूम का भी हो ही गया, बस सब सारी चीज़ें मतलब लगानी है। तो मैंने कहा कर्टन वगैरह धो के एक बारी फिर ही लगाएंगे, और बस फिर दो मेरे कमरे रह जाएंगे, एक मेरा बेडरूम रह जाएगा, एक आयरा का रूम रह जाएगा। तो वो फिर वन बाई वन टर्न लेके ना, तो वो भी कर देंगे साफ। तो बस मेरे वो कभी है ना, एक्चुअली उस टब में ना बर्तन पड़े हुए हैं जो मैंने हैंग किए हुए थे ना बर्तन, वो सब उतार दिए हैंग, मतलब हुक उतार दिए हुए हैं। तो वो सारे जो बर्तन हैंग वाले ही हैं अब उनके लिए स्टोरेज नहीं है, वो सारे टब में रखे हुए हैं ताकि अब उसको देखते आज या कल मैं हैंग करवा मतलब हैंगिंग लगवा के ना फिर उसको हैंग कर देती हूँ। तो चलो जैसा भी होता फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, जो वॉलपेपर लगने के कारण मेरी किचन में काफ़ी काम फैल गया था, तो बस सुबह से मैं आज यही समेट रही थी। और बिलीव मी गाइस, काफ़ी टाइम लग गया, आज मेरे को 3 बज गए थे बिलीव मी। और छोटा छोटा एक्चुअली आपके किचन में काम बहुत होता है, आप चाहते हो ये भी कर लो, आप चाहते हो वो भी कर लो, बट इतना एक दिन में पॉसिबल नहीं होता मेरे हिसाब से क्योंकि सॉरी आप एक तो अकेले हो, ऊपर से आपके साथ एक छोटा बच्चा, उसके बाद आपको फैमिली भी देखनी है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम मेरे से अभी हो उतना मैं कर लूँ, और जो रह जाता है वो मैं फिर बाद में कर लूँ। पर एक साइड का मेरा अगर हो गया है तो मेरे को फिर ये होता है कि चलो दूसरी साइड वाला जो है वो मैं बाद में कर लूँ, एक साइड कंप्लीट हो जाए। तो बस उसी कारण मैंने जो अपने ड्रॉस थे उसमें से डब्बे वगैरह निकाल लिए, कंटेनर्स वगैरह को अच्छे से क्लीन करके, और जो शेल्फ है उसके ऊपर मैं ऑब्वियसली शीट बिछा के रखती हूँ, मैं डायरेक्ट डब्बे नहीं उसके ऊपर रखती हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने बताई न्यूज़पेपर लगाए हुए थे, उसके बाद मैंने जो शीट्स हैं ये है रैपिंग पेपर, तो वो वाली शीट्स मैंने उसके ऊपर लगा दी हैं। और ये मेरे जो वॉलपेपर है उसके साथ भी काफ़ी मैच कर रहा था, तो मैंने काफ़ी अच्छी लगी ये शीट बिछाने के बाद, मैंने उसके ऊपर बिछा दी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। और काफ़ी काम फैल गया था मेरा ना, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं काफ़ी ऐसी जो कि काफ़ी परेशान करती हैं। और एक तो कबीर यहाँ मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो उसके साथ तो 10-15 मिनट फिर मैं उसको बैठ ही लेके, क्योंकि 12 बज चुके थे यहाँ पे ना, तो मेरे को फिर ये टेंशन हो रही थी कि मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ और ये मुझे तंग कर जा रहा है। फिर मैं उसको लेके थोड़ी देर बैठी रही और फिर सोचा चलो मैं सुला के देखती हूँ, अगर ये सो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि जल्दी वो सोता नहीं है। और सेकेंड की उसके साथ जाके ना खुद भी लेटना पड़ता है, नहीं तो वो जल्दी उठ जाता है। और ये पता नहीं आज मैंने देखा वैसे खेलता रहेगा, लेकिन जब मैं काम कर रही होती ना कोई यहाँ, जैसे मैं बिज़ी हो जाती हूँ, तो भैया मैं कहती हूँ कि इतना शरारत करता है ना इतना ज़्यादा कि कुछ पूछो नहीं, और बिल्कुल काम नहीं करने देता।
तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देख रहे हो आप, रो ही जा रहा है और उसको मैं किचन में ही लेके बैठी हूँ। बस फिर मैं उसको सुलाने ले गई, मैंने कहा चलो सोएगा तो मैं कुछ करूँगी। तो उसको सुला के फिर मैं वापस किचन में आई और मैंने अपने जो कंटेनर्स वगैरह मेरे शेल्फ पे पड़े हैं ये सब मैंने लगा लिए थे, और जो हुआ पड़ा है सामान वगैरह काफ़ी हद तक मैंने सामान जो वो हटा दिया था। बट एक्चुअली सुबह मैंने घी वगैरह भी निकाला है तो वो उस बर्तन थोड़े से अब शेल्फ पे रह जाएंगे। और जब मैं कंटेनर्स लगा रही थी तो मैंने साथ साथ में उनको फिल भी कर दिया, दालें वगैरह जो ख़त्म हो गई हुई थी और जो कम थी उन सबको मैंने रिफिल कर दिया था। और देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें बहुत हो जाती हैं। और जो ऊपर मैंने शीट बिछाई थी ना उसमें से ना देखो एक इतना सा मेरा एक शीट बच गई, और इसको मैंने नाप के देखा, जो मैंने रैक मंगवाया था उसके साथ नाप के देखा, और मतलब कि दोनों शीट को अगर मैं बीच में से कटिंग की तो पूरी पूरी थी। तो मैंने क्या किया, जो रैक था उसमें ये शीट बिछा दी, और बिलीव मी गाइस ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे कि शीट बिछाने के बाद ना इसकी एक ग्रेस बन गई थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी शेल्फ है ना उस पर शीट बिछा दो। एक तो ये है कि आप शीट को इजीली, अगर उस पर कुछ गिर भी गया आप उसको इजीली यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो। और वॉशेबल शीट मुझे मतलब मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि उनको उसमें ये होता है कि आप पहले उसको वॉश करो और फिर उसको बिछाओ, तो ये पैसे भी सस्ती पड़ती है, बजट में पड़ती हैं और यूज़फुल है। मतलब आप यूज़ एंड थ्रो भी है कि आप यूज़ करो फेंक दो। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैं अगर किचन में भी और किचन के डोर पे भी शेल्फ होती है ना तो मैं उस पर भी टिश्यू पेपर बिछाती हूँ, ताकि अगर आप उस ड्रॉर के ऊपर कुछ रख रहे हो, क्योंकि मेडिसिन भी उसमें पड़ी होती है, तो अगर आप कुछ उसके ऊपर रख रहे हो और कुछ लिक्विडी होता है और वो कहीं सम टाइम गिर जाता है, वो टिश्यू पेपर के ऊपर ही आता और एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ पे भी नहीं जाता। तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और देखो मेरा सब कुछ सेट भी हो गया और फिर भी मेरा किचन अभी साफ़ नहीं लगेगा आपको, मतलब कि इतना सामान फैला हुआ था ना। अभी इस बाहर वाले रूम में तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ये देखो मैंने छोटा सा उसमें अपने किचन में मनी प्लांट लगाया, और ये जो जिस वॉलपेपर लगाने वाले आए थे उन्होंने तो हद ही कर दी थी ना। और जो मतलब कि वॉलपेपर पे लगाती ना गोंद, वो सारी इसके अंदर फेंकी हुई थी। तो मुझे, मैंने कहा चलो आप इसके साथ साथ ये भी साफ़ करते, तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने जैसे पेपर को थोड़ा सा टर्न किया ना तो वो एक जैसे कह लो कि कागज़ टाइप उतर के वो अपने आप ही बाहर आ गया, नहीं तो बहुत ख़राब होना था। और बस फिर भी थोड़ा थोड़ा काम मेरा रह ही गया। अभी मेरी सामने विंडो रहती है, ऊपर का भी फैन रहता है, ये सब साफ करने वाला, तो काफ़ी कुछ है चीज़ें। और जब आप कर रहे होते हो तो आप कहते हो कभी ये भी साफ़ कर लो वो भी साफ़ कर लो, क्योंकि ऐसे सामान रखना आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो देखो मैंने जो घी निकाला था वो मैं इसको भी रिफिल कर दूँगी डब्बों में। और मैंने जैसा कि पहले भी आपको ब्लॉग्स में बताया है कि मैं घर की मलाई होती है तो मैं उसका ना बटर, वाइट बटर निकाल के रख लेती हूँ, और उसको फिर टाइम से मैं मतलब जब ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से फिर उसमें घी वगैरह निकाल लेती हूँ। पर इसको रखे हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब रखिए, ज़्यादा टाइम से तक पड़े रहेंगे, और मेरे को फ्रिज भी साफ़ करना था, तो मैंने कहा चलो अब साथ साथ ये भी बना ही लो, मक्खन निकाल लो, घी निकाल लो, ताकि आपका जो मतलब कि फ्रिज है वो भी खाली हो जाएगा। तो बस, और देखो वो होने के बाद मैंने जो टमाटर प्याज की मेरी बास्केट थी मैंने उसको भी साफ़ कर लिया। बट पर्सनली बताऊँ ना, मैं जो आपके स्टील की आती है ना बास्केट, वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि उसके जो हॉल है ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जो भी आपका मतलब जैसे प्याज के छिलके होते हैं, लहसुन के छिलके होते हैं, वो निकल जाते हैं। और जो ये वाली बास्केट है ना इसमें डस्ट भी, देखो साइड में प्लेन है, बीच में ना कॉर्नर्स पे देखो प्लेन प्लेन है, तो जो इसमें डस्ट होती है ना वो इसके अंदर ही रह जाती है, वो निकलती नहीं है, तो इसको टाइम टू टाइम भी क्लीन करना पड़ता है। मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसको भी आपको साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस चलो, यही छोटी छोटी बातें होती हैं आपकी गृहस्थी की और फैमिली की। तो दिखाती हूँ मैं आपको इस किचन अपना जो मेरा साफ़ हुआ है, और फिर भी देखना सामान रह गया है।
तो चलो। तो बस हो गया साफ, और देखना ये साफ हो गया। ये देखो शेल्फ पे मेरा अभी भी सामान पड़ा है, और मेरे सामने अभी एक जो फैन साफ होने वाला है वो देखो, और साथ में ही विंडो भी अभी साफ होने वाली है। तो मैंने अभी अंदर अंदर का कर लिया, बाहर का एक बार ही मैंने कर फिर से करूंगी, क्योंकि इन सबको एक बार अच्छे से वॉश करना पड़ेगा गर्म पानी से, क्योंकि जो मेरी गैस है वो बिल्कुल विंडो के साथ है, वो सारी डस्ट उड़ के उसी में जाती है। तो वो मैं एक बार ही गर्म पानी करके अच्छे से वॉश कर लूंगी, और देख ही रही हो कितना काम फैल जाता है। अभी मैं बाहर का दिखाती हूँ आपको। ये देखो बाहर भी, और वो देखो टब में सारे मेरे कड़छियाँ वगैरह हैंग वाला सामान सारा पड़ा हुआ, ये लगे थे वो तो हट गए हैं, और इसमें काफ़ी सारे बर्तन ऐसे हैं जो सिर्फ हैंग ही होंगे। काफ़ी थक गई हूँ, और चलो किचन का थोड़ा बहुत तो हो गया साफ। एक्चुअली कबीर करने लग गया था तंग, तो बीच में मैं चली गई उसको सुला के आई हूँ। अभी मैंने भी नहाना है, मैं बार बार ऊपर देखती हूँ घड़ी लगी नहीं, 1:15 बज गया। तो फिलहाल अभी तो ये मेकओवर कह रहे हैं थोड़ा साफ हो गया। अभी इसका किचन का थोड़ा सा शेल्फ और आने हैं, जो मैंने रैक मंगवाया है इसमें अभी और भी आने, तो एक बार ये सब लग जाएगा ना और फिर अच्छा लगेगा। तो चलो, वैसे भी अभी कुछ हैंग करने के लिए भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा अपना डेकोरेट कर पाऊँ, बट चलो जो भी है फिलहाल तो हो गया। तो मकिया आएगी, देखते हैं। आटा वगैरह तो गूंदा हुआ, और न्यूट्री कीमा बनाया था वो पड़ा हुआ थोड़ा सा, मतलब मिन्स हो जाएगा आपका। तो बस रोटी बनानी है, तो आती है तो रोटी बनाते हैं। आज तो मैंने भी नहीं कुछ खाया, मैंने चाय के साथ 2 ब्रेड खाई हैं, ब्राउन ब्रेड। तो अब आएगी तो फिर देखते हैं। अभी कबीर भी नहीं नहाया, उसको भी नहलाती हूँ, खुद भी नहाती हूँ, आज काफ़ी हो गया। अभी मेरा जो आयरा वाला रूम है वो भी ऐसे कैसे, क्योंकि जो यहाँ पर जो सामान लगा था, या उधर पीछे बाबा जी की फ़ोटो लगी थी ना, वो सब उतार के उसके कमरे में रखी हुई हैं। क्योंकि जो ये वाली वॉच है वो उसके ना छोटे छोटे पार्ट्स हैं इतने इतने, वो जब उतारो तो वो खुल जाते हैं सारे ही। बहुत मुश्किल है उसको साफ़ करना, भी बहुत मुश्किल है, इसलिए जल्दी उसको साफ़ भी नहीं करते हैं। तो बस अब उसको फटाफट से, मतलब जब इसमें कील्स वगैरह लगेंगी तो उसको फिर लगाएंगे, और तब तक वो गंद वहाँ पड़ा रहेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। अब मैं अपने रूम में रख नहीं सकती, क्योंकि कबीर ने वहाँ पे उसको तोड़ देगा। और एक बात कि ये लगाने से ना, मतलब वॉलपेपर लगाने से ना, मेरे रूम की लाइट जो है वो बहुत कम हो गई है। तो फ़िलहाल हमारा प्लान है थोड़ी लाइट्स और लगवाने का, ताकि रोशनी हो काफ़ी। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा बहुत कराने वाला हूँ। और अभी तो मैंने दरवाज़े पेंट करवाने हैं बाहर का ना। एक्चुअली पता क्या है, ये ना बना बनाया हमने घर लिया था, एक्चुअली डीलर से लिया था। तो आपको पता, तो डीलर तो मतलब उस अकॉर्डिंग तो काम करते नहीं हैं जिस अकॉर्डिंग होता है, उन्होंने तो जस्ट टेम्परेली करना होता है। तो जो ये मेन डोर हो गया, जो दरवाज़े हैं ना हमारे घर पे, एक्चुअली इसके नीचे जैसे हम पेंट करते, पेंट के नीचे रेगमाल लगाते हैं, पट्टी फेरते हैं और उसके बाद पेंट लगाते हैं ना, तो इन्होंने पट्टी वगैरह कुछ नहीं लगाई है। तो उसकी तरफ, उसकी वजह से ना, वो सिर्फ वो मतलब जो भी पेंट हुआ पड़ा है ना, वो बहुत रफ है, बहुत ज़्यादा, मतलब सॉफ्ट नहीं है। और जो डस्ट उसमें जाती है ना, वो उसके अंदर चली जाती है, मतलब कि आप उस, अभी मैं आप कपड़ा मारूँ ना तो ये साफ़ नहीं होगा, मतलब उस टाइम गीला गीला आपको साफ़ लगेगा, जैसे ही वो सूखता जाएगा फिर वो ऐसा लगेगा जैसे कितने टाइम से इसको साफ़ नहीं किया। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको एडजस्ट कर पाना। तो मैं इनको बोल रही थी अरविंद को कि इसको पेंट करा लो, ताकि जो ये डस्ट रह जाती है वो, तो मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। तो देखते हैं, चलो
काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज, तो चलो देखते क्या होता। गाइस सुबह का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था इसलिए मैंने सारे दिन में शूट नहीं किया, और अब का आपको दिखाती हूँ हमारा जो मंदिर है उसमें कल जागरण है। तो देखो कैसे लाइटिंग हुई हुई है, और अभी बज रहे 11:30 और सड़कों पर डोल रहे हैं और सब लोग सो गए हैं। और कबीर को देखो 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 देख कहाँ कहाँ जाता है ये। आजो आजो आजो, कालू मदारी आ गया, चलो कालू मदारी आ गया, कालू मदारी आ गया। देखो ये सामने मंदिर है, देखो मेरी अभी तक एडिटिंग चल रही है और टाइम दे 12:45। तो बस अभी बाहर से वॉक करके आ गई और बस ये अपलोड हो जाए, अपलोडिंग पे लगाइए, अपलोड हो जाए और उसके बाद सोएंगे 12 बज के।